हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 7, बॉडी फ्लूड एंड सर्कुलेशन। टॉपिक है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन की बात करें तो डबल सर्कुलेशन तुम्हारा किसके अंदर पाया जाता है? क्रोकोडाइल, बर्ड्स और मैमल। क्रोकोडाइल, बर्ड्स और मैमल के अंदर क्या होता है? डबल सर्कुलेशन होता है। अगर हम लोग अपनी बात करें तो हम लोगों के अंदर कैसा सर्कुलेशन होता है? डबल सर्कुलेशन होता है, ठीक है। अगर हम अपनी बात करें तो हम लोगों में क्या होता है कि जो बॉडी फ्लूड यानी जो ब्लड है हमारे बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रहा है, तो क्या ये बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है वो किस तरीके से करता है? तो हमारे बॉडी के अंदर जो बॉडी बॉडी फ्लूड यानी ब्लड सर्कुलेशन सर्कुलेट करता है वो पाइप के थ्रू सर्कुलेट करता है, यानी ब्लड वेसल के थ्रू सर्कुलेट करता है। इसीलिए हम लोग अपने सर्कुलेशन को क्या कहते हैं? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। यानी हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेट करता है वो किसके थ्रू करता है? ब्लड वेसल यानी आर्टरी, आर्टरी और वेन के थ्रू सर्कुलेट करता है, ठीक है। अब ये आर्टरी और वेन जो होती है ना, ये जो बनी होती है तीन लेयर से मिलके बनी होती है, ठीक है। मान लीजिए ये हमारी आर्टरी होगी, ठीक है। ये एक पाइप है, इस पाइप को हमने क्या कह दिया? आर्टरी का, ठीक है। एक ये और पाइप है, इस पाइप को हमने क्या क्या कहा? वेन कह दिया, ठीक है। ये हमारी क्या होगी? वेन हो गई। अब कह रहा होता है क्या है, आर्टरी और वेन यानी जो हमारी ब्लड वेसल होती है जिनके थ्रू हमारा ब्लड सर्कुलेट करता है, ये कितनी लेयर से मिलकर बनी होती है? तीन लेयर से मिलकर बनी होती है। जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है, मान लीजिए ये क्या है? सबसे बाहर वाली लेयर है। तो जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है ना, सबसे बाहर वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एक्सटर्ना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एक्सटर्ना बोलते हैं। उसके बाद क्या होगी? एक सबसे अंदर की तरफ लेयर होगी, ठीक है। एक ये लेयर होगी जो सबसे अंदर की तरफ है, और जो सबसे अंदर की तरफ लेयर होती है इसे हम क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एंटाइमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एंटाइमा बोलते हैं। और एक लेयर क्या होती है? इन दोनों के बीच में होती है। एक लेयर कहां पे होगी? इन दोनों के बीच में होगी, और इस लेयर को हम क्या बोलते हैं? ट्यूनिका मीडिया बोलते हैं, ठीक है। ट्यूनिका मीडिया। ऐसे अगर वेन की बात करें तो वेन में भी क्या होगी? जो सबसे बाहर वाली लेयर होगी, सबसे बाहर वाली लेयर को हम क्या बोलेंगे? ट्यूनिका एक्सटर्ना बोलेंगे। सबसे अंदर वाली लेयर को हम सबसे अंदर वाली लेयर को यहाँ पे भी क्या बोलेंगे? ट्यूनिका एंटाइमा बोलेंगे। और दोनों के बीच में जो होगी, दोनों के बीच में जो लेयर होगी उसे क्या बोलेंगे? ट्यूनिका मीडिया बोलेंगे, ठीक है। यानी कि जो हमारा ब्लड जिसके थ्रू सर्कुलेट कर रहा है, ठीक है, जिस पाइप के थ्रू यानी आर्टरी और वेन के थ्रू सर्कुलेट कर रहा है, ये दोनों पाइप तुम्हारी कितनी लेयर से मिलकर बनी हुई है? तीन लेयर से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। कितनी लेयर हो गई? तीन लेयर से मिलकर बनी हुई है। अब कह रहा है अगर वेन की बात करें तो वेन के अंदर ये जो ट्यूनिका मीडिया होती है, ठीक है, ये आर्टरी की कंपैरिजन में कैसी होती है? थीन होती है यानी पतली होती है। इसलिए जो आर्टरी होता है, जो आर्टरी होता है उसका ल्यूमेन यानी उसका जो रास्ता होता है कैसा रहता है? पतला रहता है। जबकि वेन में ये क्या होती है? पतली होती है, जिसकी वजह से ये रास्ता क्या होता है? चौड़ा हो जाता है। ये रास्ता क्या हो जाता है? चौड़ा हो जाता है, ठीक है। अब अगर इन तीनों लेयर की बात करें, ठीक है, ट्यूनिका एंटाइमा, ट्यूनिका एंटाइमा जो होती है ये बनी होती है स्क्वैमस एंडोथिलियम की। किसकी बनी है? स्क्वैमस एंडोथिलियम की बनी होती है। अगर ट्यूनिका एक्सटर्ना की बात करें तो ये बनी होती है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और कोलेजन फाइबर की बनी होती है। अगर ट्यूनिका मीडिया की बात करें तो ट्यूनिका मीडिया बनी होती है स्मूथ मसल प्लस इलास्टिक फाइबर की बनी होती है, ठीक है। और ट्यूनिका मीडिया वेन के अंदर कैसी होती है? आर्टरी के कंपेरिजन में कैसी होती है? थिन होती है, ठीक है। ओके, आइए देखें डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन होता क्या है? कह रहा है कि अगर हम अपने हार्ट की बात करें, ठीक है, अगर हम अपने हार्ट की बात करें तो हमारे हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? फोर चैम्बर होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? फोर चैम्बर होते हैं। ऊपर की तरफ जो दो चैम्बर होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? एट्रिया बोलते हैं। और नीचे वाले दो चैम्बर जो होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? वेंटिकल बोलते हैं। ये हमारा लेफ्ट हो गया, सॉरी, ये हमारा क्या हो गया? राइट हो गया। ये हमारा क्या हो गया? लेफ्ट हो गया। तो इसे हम क्या बोलेंगे? राइट एट्रिया। और ये क्या हो जाएगा? राइट वेंटिकल हो जाएगा। ये क्या होगा? लेफ्ट एट्रिया। और ये क्या होगा? तुम्हारा लेफ्ट वेंटिकल हो जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा क्या है? लंग्स है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? लंग्स हो गया। और ये हमारी क्या हो गई? बॉडी हो गई। ये क्या हो गई? बॉडी हो गई, ठीक है। अब होता क्या है कि बॉडी से जो ब्लड निकलता है वो डी ऑक्सीजिनेटेड होता है, और बॉडी के पास जो ब्लड आता है वो कैसा होता है? ऑक्सीजिनेटेड होता है। तो अब हमारे बॉडी में क्या होगी? बहुत सारी सेल है, ठीक है। तो हर एक सेल से क्या होगा? डी ऑक्सीजिनेटेड ब्लड निकलेगा। तो जब हर एक सेल से डी ऑक्सीजिनेटेड ब्लड जो होता है पतली पतली पाइप से निकलता है, जिसे क्या बोलते हैं? वेनियोल्स बोलते हैं। ये वेनियोल्स मिलके एक मोटी सी पाइप बनाएंगे जिसे हम क्या बोलेंगे? वेन बोलेंगे। और कई सारी वेन मिलेंगी तो एक और मोटी सी पाइप बनेगी जिसे हम क्या बोलते हैं? वेना कावा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेना कावा, ठीक है। यानी यहां से क्या होगा तुम्हारा?
मान लो कई सारी सेल है, ठीक है, ये सेल हो गई, ये सेल हो गई, ये सेल हो गई, ये सेल, इससे भी एक पतली सी पाइप आई, इससे भी पतली पाइप, इससे भी पतली, इससे भी पतली, तो इन सारी पाइप को वेन्यूल्स बोलेंगे। अब ये पाइप आपस में मिलकर थोड़ा सा मोटी पाइप बनाती तो इसे हम क्या बोलेंगे, वेन बोलेंगे। और कई सारी मोटी कई सारे वेन जब बन के एक मोटी सी पाइप बना देते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, वेना कावा बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे वेना कावा लेके कहां पे पहुंचेगा, हमारे राइट एट्रिया में पहुंचेगा। कहां पे पहुंचेगा, राइट एट्रिया में पहुंचेगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, वेना कावा है। अब हर्ट के नीचे, हर्ट के नीचे का जो पार्ट है, अगर यहां से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो पाइप लेके आएगी उसे हम बोलते हैं इन्फेरियर वेना कावा। क्या बोलते हैं, इन्फेरियर वेना कावा। और हर्ट के ऊपर का जो पार्ट है, यहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो पाइप लेके आती है उसे बोला जाता है सुपेरियर वेना कावा। क्या बोलते हैं, सुपेरियर वेना कावा। अब कह रहे हैं ये जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, चाहे वो हर्ट के निचले पार्ट से आ रहा हो या हर्ट के उपले हर्ट के ऊपर वाले पार्ट से आ रहा हो, दोनों जगह से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो कहां पे आता है, हमारे राइट एट्रिया में आता है। और राइट एट्रिया से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे चला जाएगा, राइट वेंटिकल में चला जाएगा। ठीक है, और राइट वेंटिकल जो होती है ये एक पाइप के अंदर खुलती है और इस पाइप का नाम क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी। और ये पाइप डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके कहां पे चली जाएगी, लंग्स के पास चली जाती है। कहां पे चली जाती है, लंग्स के पास चली जाती है। अब लंग्स के पास जब पहुंचेगी तो इसके अंदर जो डी ऑक्सीजनेटेड यानी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से निकल के कहां पे चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा। और लंग्स से ऑक्सीजन क्या होगा, ब्लड के अंदर आ जाएगा, जिसकी वजह से हमारा ब्लड कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। तो यहां से लंग्स से जो ब्लड निकलेगा वो कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड होगा। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये जिस पाइप के थ्रू आता है, इस पाइप को हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेन। यानी लंग्स से पल्मोनरी वेन द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे आ जाएगा, लेफ्ट एट्रिया में आएगा। लेफ्ट एट्रिया से कहां पे चला जाएगा, लेफ्ट वेंटिकल में चला जाएगा। और लेफ्ट वेंटिकल एक मोटे से पाइप के अंदर खुलेगा, इस पाइप को हम क्या कहते हैं, एओर्टा कहते हैं। अब एओर्टा क्या होगी, पतली पाइप में टूटेगी जिससे क्या बनेगी, आर्टरी की होगी। और पतली पाइप में टूटेगी जिससे क्या, आर्टियोल्स। और आर्टियोल जो होगी और पतली पाइप में टूटेगी जिसे हम क्या बोलेंगे, कैपिलरी बोलेंगे। ठीक है, यानी ये मोटी सी पाइप आई, फिर ये क्या होगी, और पतली पाइप में टूटी। ठीक है, फिर ये और पतली और एकदम पतली सी पाइप जो होगी वो कहां पे इंटर कर जाएगी, सेल के अंदर इंटर कर जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, ये हमारा क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और ये क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो हर्ट और लंग्स के बीच जो ये ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, हर्ट और लंग्स के बीच जो ये ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। और हर्ट और बॉडी के बीच जो सर्कुलेशन हो रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो कितने सर्कुलेशन हो गए, दो सर्कुलेशन हो गए, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन बन रहा है और एक सिस्टेमिक सर्कुलेशन बन रहा है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। इसलिए क्या बोला जाता है, डबल सर्कुलेशन। अब इसमें जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है ये क्या कर रहा है कि हमारे बॉडी को ऑक्सीजन, ठीक है, हमारे बॉडी यानी जो हमारे सेल है उन्हें ऑक्सीजन दे रहा है। एंड अदर इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स यानी जो कुछ भी चीजें होती हैं सेल तक पहुंचाना होता है तो वो सिस्टमिक सर्कुलेशन द्वारा आता है। और यहाँ सेल के अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या जो भी हार्मफुल प्रोडक्ट बन रहा है उसे ये क्या कर रहा है, बॉडी से रिमूव कर रहा है। ठीक है, यानी कि जो सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है यही हमारे सेल को न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, इलिमिनेट करता है यानी रिमूव करता है। और यहाँ पर दो तरीके के सर्कुलेशन है, एक पल्मोनरी और एक सिस्टमिक सर्कुलेशन, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। एक और होता है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, एक और है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। देखिए हिपैटिक पोर्टल सिस्टम क्या होता है, जैसे अगर हम बात करें तो जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, ठीक है, ये मान लीजिए हमारा क्या हो गया, स्टमक हो गया। स्टमक जाके कहां पे खुलेगा, इंटेस्टाइन में खुलेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद क्या हो जाए, लार्ज इंटेस्टाइन, ये रेक्टम और एनस। ठीक है, तो कह रहा है कि जो कुछ भी हम खाना खा रहे हैं वो खाना हमारे डाइजेस्ट होगा। ठीक है, स्टमक में आया डाइजेस्ट होगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में भी आके डाइजेस्ट होगा और एब्जॉर्ब होगा। अब मान लीजिए अगर उस खाने के अंदर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है और वो डायरेक्ट हमारे बॉडी के अंदर अगर उसे सर्कुलेट करा दिया जाए ब्लड के थ्रू तो हमारे लिए क्या होगी, दिक्कत होगी। ठीक है, तो इसीलिए होता क्या है कि यहां से यानी कि जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन से जो वेन निकलती है ना उसे क्या बोलते हैं, हिपैटिक वेन। क्या बोलते हैं, सॉरी, जो इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन से जो वेन निकलती है वो डायरेक्ट हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन में ना जाके ये कहाँ पे चली जाती है, लीवर के पास चली जाती है। कहाँ पे चली जाती है,
ये वेन कहां पे चली जाएगी, लीवर के पास चली जाएगी, और लीवर क्या करेगा, इसके अंदर अगर कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस है तो उसे डिटॉक्सिफाई करेगा, और डिटॉक्सिफाई करने के बाद यहां से जो वेन निकलेगी, जो वेन निकलेगी इसे क्या बोलेंगे, हिपैटिक वेन बोलेंगे, और ये हिपैटिक वेन, अब ये हिपैटिक वेन क्या करेगा, इसे सर्कुलेटरी सिस्टम यानी सिस्टमिक सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर डाल देगा, और ये ब्लड कहां पे पहुंचेगा, हमारे हार्ट के पास पहुंचेगा, ठीक है। तो यहां पे इसे हम क्या बोलते हैं, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम बोलते हैं, इसे क्या बोला जाता है, इस सर्कुलेशन को क्या बोलते हैं, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, यानी हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में जो इंटेस्टाइन से वेन निकलती है क्या वो डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर चली जाती है, या पहले लीवर से होती है उसके बाद सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती है। तो याद रखना कि इंटेस्टाइन और लीवर के बीच, इंटेस्टाइन और लीवर के बीच जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इस सर्कुलेटरी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक होता है कोरोनरी, सॉरी ऐसे ही एक और हमारा होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एक मिनट रुकिए मैं देख लूं थोड़ा, इसे बोलते हैं कोरोनरी सिस्टम, क्या बोलते हैं, कोरोनरी सिस्टम। कोरोनरी सिस्टम क्या होता है कि जो हमारा हर्ट है, ठीक है, जो हर्ट की मसल है उन्हें भी तो ब्लड चाहिए, उन्हें भी तो ब्लड की सप्लाई करनी पड़ेगी, तो हर्ट से हर्ट के यानी हर्ट से हर्ट की मसल को ब्लड जो सर्कुलेट यानी सप्लाई किया जाता है उस सिस्टम को क्या कहते हैं, क्रोनरी सिस्टम कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रोनरी सिस्टम कहते हैं। ओके, आई होप इतना समझ में आ गया होगा, आप इसे देख लीजिए।